जय हिंद। ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको मारकर अमेरिका और इजराइल ईरान को उकसाना चाह रहे हैं ताकि जो बाइडेन इस ईरान से जो पहला समझौता था उसे बरकरार न कर सके। हालांकि अगर जो बाइडेन से ये समझौता जो थे दोबारा अगर चालू कर देंगे ईरान से तो ईरान को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब हम समझते हैं ईरान को इतना सैंक्शन कैसे लग गया कि उसे कोरोना की वैक्सीन लेना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए ईरान के पीछे पड़ा हुआ है इजराइल, क्योंकि ईरान और इजराइल में एक दूसरे में ज़बरदस्त की दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन एक दूसरे को समझते हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो चीफ थे मोहसिन फखरीजादे थे, ये भाई साहब ईरान के जो पूरा न्यूक्लियर प्लांट चल रहा था उनके चीफ थे पूरे यन पे। 2018 में नेतन्याहू ने अपनी भाषण में इनका नाम बोला था और कहा था याद रखिएगा यही वो व्यक्ति है जो जिसे आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ ईरानियन एटॉमिक प्रोजेक्ट। हालांकि इन्हें अमेरिका भी बहुत पहले से टारगेट रख रहा था, खास करके जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे। इन्होंने तो खास सीधे बोल दिया था अमरीकी नौसेना को कि आप ईरान पर हमला कर सकते हैं। ये लोग उकसाना चाह रहे हैं इसको। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ये बहुत सुनियोजित तरीके से इन पर हमला किया गया था। ईरान की राजधानी है तेहरान, वहाँ पर अस्बाल्ट नाम का एक शहर है, उस शहर से ये गुजर रहे थे फखरीजादे। ये अपने ससुराल जा रहे थे घर से वहाँ पर किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए, तो रास्ते में इनका एक गोलंबर से गाड़ी घूमी थी। अगर यहाँ देखेंगे तो ये बीच वाली जो गाड़ी है ना, ये वैज्ञानिक फखरीजादे की है। इनके आगे एक बॉडीगार्ड की गाड़ी थी और पीछे थी, तो पीछे वाले बॉडीगार्ड के पास एक ट्रक था जिसमें ब्लास्ट कर गया। ब्लास्ट से ये वाला जो बॉडीगार्ड की गाड़ी थी ये भी डैमेज हो गई और अचानक से ऑटोमेटिक गन से गोली चलने लगी। और ये कहा गया है कि वहाँ 12 से 13 मिलिटेंट उतरे थे, लेकिन जो गोली चल रही थी वो रोबोट के थ्रू ऑटोमेटिक चलाई जा रही थी और इतना सुनियोजित था कि पूरी तरह से उनको पता था कि ये कहां से जाएंगे। गोलंबर के पास ऑलरेडी इनका इंतजार किया जा रहा था। और यहां पर जैसे ही ये पहुंचे इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, सीसीटीवी कैमरे को काट दिया गया, सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं थी, यहां पर आराम से उड़ा दिया गया। और इसमें गलती क्या हुई थी इन लोग से कि ये बाहर आ गए थे गाड़ी के घबरा कर, तो उनके सीने पे गोली लग गई थी। इसके बाद इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से पास के हॉस्पिटल पे ले जाया गया, लेकिन वो ब्रॉड डेड घोषित कर दिया, डेथ ही लेके आई है थे यहाँ पर। अब यहाँ पे ईरान को भी सोचना पड़ेगा कि उसको 2010 से लेके 2012 के बीच में अगर बात करें तो कई सारे उसके वैज्ञानिक भी मारे गए। अब यहाँ अगर ज्योग्राफिकली देखेंगे तो ये है ईरान। ईरान जो है यहाँ पर ईरान के करीब है सऊदी अरब। अब इन दोनों में भैया एक अलग दुश्मनी है, सिया सुन्नी की दुश्मनी है, और ये है इजराइल। इजराइल आप अगर ध्यान देंगे तो पूरे मिडिल ईस्ट मिलकर इजराइल का विरोध करते हैं। सऊदी अरब जो है वो भी इजराइल का विरोध करता है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इमरजेंसी में ये दौरा किए थे सऊदी अरब में और वहाँ के प्रिंस से मिले थे। उसके बाद सऊदी अरब सिया और सुन्नी की लड़ाई में हामी भर दिया था कि हाँ ईरान को मारा जाए। सऊदी अरब का आस पास चले ना तो आज मार देगा। देखिए ई अरब वालों को कोई काम नाम नहीं है, ये सबको यहाँ पे एक पेट्रोल मिल गया है, जिस दिन तेल खत्म खेल खत्म, ये सब बकरी चराएगा, सब ऊँट चराएगा, सब ले ले दाना खो यहाँ पे, खजूर खो यहाँ पे, और इन सबको कुछ नहीं आता है यहाँ पर। ये केवल इसी लड़ाई में लड़ेगा सर। आज भी बताइए इन लोगों को राजतंत्र है, बताइए कितना अजीब लगता है 2020 में कहीं पे राजा है। हद भैया, लोकतंत्र के जमाने में राजा है। सोचिए हमारे हिंदुस्तान में अगर राजा बैठेगा उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हम लोग, से कभी होगा बर्दाश्त ही नहीं होगा। समझिए कि एकदम गुलामी की तरह वहाँ पे रह रहे हैं सब। तो ये आपसी दुश्मनी भूल गए सब, सऊदी वाले और इजराइल वाले आपसी दुश्मनी भूल गए सब, और इजराइल को ईरान को मारने के लिए। हालांकि इन गधों को ये समझ में नहीं आता है कि जिस दिन ईरान यहाँ से मरेगा ना, इन लोग का अगला टारगेट रहेगा कि ये पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए, उनके बाद इन लोग को अच्छा से निपटा दिया जाए, तब तक धीरे 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 इन लोग का पेट्रोल ये लोग निकालेंगे। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में देखिए हमारा कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। जब तक हमारा फायदा है हमारे दोस्त हो, फायदा खत्म दोस्ती खत्म। एक वक्त था कि जब हम और रूस एकदम बराबर के दोस्ती थे, अभी रूस से हम लोग की थोड़ी दोस्ती कम हो गई है, अमेरिका से बढ़ गई है। तो हमारे संबंध किससे ये मायने रखते हैं। ईरान से हमें काफी अच्छा संबंध बना के रखना है। अगर आप देखेंगे तो ईरान को उकसा रहे हैं ट्रंप साहब, क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, और इजराइल भी उकसा रहा है। कैसे 2010 से 12 के बीच में ईरान के 5-6 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया ताकि ये लोग आगे ही न बढ़ सके। ईरान भी घोंचू है, सोच रहा तुम अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को सेफ्टी किस कारण दे रहे हो कि मार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अच्छी खासी सेफ्टी भी है और तरह तरह की उनकी सेफ्टी के लिए ध्यान में भी रखा जाता है हर देश को। भारत को भी इस पे सोच समझ के रखना चाहिए, क्योंकि भैया पाकिस्तान के पास भी आतंकवादियों की कोई कमी नहीं है। पता चला हमारा DRDO इसरो पे कर दे तब कोई क्या करेंगे। तो भविष्य की कोई भी घटना से हम लोग को
भी पहले से औचित्य रहना चाहिए। हम भारत सरकार से भी कहेंगे कि भैया हमारे जो टॉप लेवल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट है या इसरो के हैं या डीआरडीओ के, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए। जिस तरह से एनएसजी कमांडो होते हैं ना, उन लोग को भी देना चाहिए। आप कासिम सुलेमानी को ही देख लीजिए, ये इराक में गए थे 2020 में, दो तीन महीने पहले की तो बात है, ड्रोन हमले में इनको मार दिया, सॉरी सेनापति को मार दिया ईरान को। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अमेरिका पर हमला कर दे या फिर ईरान इसराइल पर हमला कर दे। इस हमले से ईरान को बहुत ज़्यादा घाटा लगने वाला है। अमेरिका उन्हें उकसा रहा है इस तरह से कि अमेरिका का कहना है कि एक प्रोजेक्ट 111 चल रहा है। प्रोजेक्ट 111 के तहत अमेरिका का कहना है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है। देखिए, यूरेनियम दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है, इसे येलो केक के नाम से जाना जाता है। बट जो यूरेनियम प्रकृति से मिलता है हमें अयस्क के रूप में, ओर के रूप में, वो काम लायक नहीं होता। उसे इनरिच किया जाता है बड़ा सफाई से, जैसे लोहा को कैसे साफ किया जाता है वैसे, लेकिन इसको आराम से नहीं कर सकते, ब्लास्ट कर जाएगा, तो इसके इनरिचमेंट प्लांट लगाए जाते हैं। तो ईरान इस इनरिचमेंट प्लांट को बहुत तेजी से लगा रहा है। ईरान का कहना है कि वो कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा। जिस तरह से जापान के पास परमाणु टेक्नोलॉजी है, वो इनरिच करके बिजली बनाता है, वैसे हम भी बिजली बनाएंगे, हम परमाणु बम नहीं रखेंगे। लेकिन इसराइल अपने लिए खतरा मानता है, सऊदी अरब अमेरिका से कहता है खतरा है, और ये भी हकीकत है कि भैया दोनों में कोई खास का अंतर नहीं होता है। जिसके पास परमाणु बिजली घर है, वो चाहेगा तो 2 महीने के अंदर अंदर परमाणु बम बना लेगा। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, बस कंट्रोलिंग पैनल को हटा दीजिएगा, उसमें कैडमियम या बोरान की छड़ हटा देंगे। केमिस्ट्री में पढ़ाए थे आपको, नियंत्रक छड़ होता है, कैडमियम या बोरान, उसको हटा दीजिएगा तो जो चेन रिएक्शन है कंट्रोल के बाहर हो जाएगी, फिर वो ब्लास्ट कर जाता है। तो जो भी, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देश हो या फिर इसराइल हो या फिर अमेरिका, उनको पता है कि अगर परमाणु बम ईरान के पास आ गया तो किसी से डरेगा ही नहीं। रीजन क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ रहता अगर ऑपरेशन मैनहट्टन सक्सेस नहीं हो रहा था। ऑपरेशन मैनहट्टन क्या था, इसके तहत वहां पर परमाणु बम बनाया जा रहा था, जो वहां पे ओपेनहाइमर थे, वहां पर जॉन एफ ओपेनहाइमर, ये लोग तो परमाणु बम मार दिए जापान के ऊपर, जापान सरेंडर कर गया। इजराइल ने क्या किया है, यहां पर भी हमला करके न्यूक्लियर प्लांट को उड़ा दिया, इनरिचमेंट प्लांट को भी उड़ा दिया है। देखिए, इजराइल पे हमेशा आरोप लगते हैं, उसकी मोसाद एजेंसी है वो दुनिया में सबसे खतरनाक है। भैया मोसाद से तो मत पूछिए, वहां पर उन लोग का मिशन चलता है 20-20 साल लंबा, मतलब सोचिए आज मारेंगे ना 20 साल बाद भी वो बदला लेते हैं, बहुत खतरनाक एजेंसी। आप समझिए ध्यान से जरा पे, पूरी यूरोपीय यूनियन चाहती है कि ईरान के साथ एक अच्छा सा समझौता हो जाए। यूरोपियन यूनियन यही चाहता है कि भैया ईरान से समझौता हो जाए, जर्मनी भी यही चाहता है, इंग्लैंड भी चाहता है, ब्रिटेन भी चाहता है कि ईरान से समझौते हो जाए। इसराइल नहीं चाहता है कि ईरान से समझौते हो जाए। जबकि अगर आप पिछला कार्यकाल देखेंगे, जब बराक ओबामा वहां के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने ईरान से एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत कहा गया था कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग है, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, वो नियमित रूप से ईरान आएगी, उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट की जांच करेगी कि वो बम बना रहा है या बिजली घर बना रहा है, वहाँ परमानेंटली उसकी जांच की जाएगी। ईरान इसे कभी नहीं रोकेगा। याद कीजिए, सद्दाम हुसैन इसीलिए मरा गए थे, वो जांच की एजेंसी को रोक दिए थे, बार बार रोके थे। सद्दाम हुसैन मराए ना तो अपनी गलती से मराए, 4 बार रोका था उन्होंने उस एजेंसी को जांच करने के लिए, अमेरिका मार दिया। अरे इन गधों को पता नहीं क्यों लगता है कि ये सुपर पावर है, हद है यार, तुम लोग गजब घोंचू हो। हम हिंदुस्तान वालों को देखो, इतना पावर के बावजूद रूस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से इज्जत से बात करते हैं हम लोग अभी भी। हम लोग तो कभी अकड़ते नहीं कि क्या कर लोगे, हमारे पास परमाणु बम है। इस सुरन सर को मतलब मत पूछिए, कहा जाता है ना अधजल गगरी छलकत जाए, गजब हाल है यहाँ से, ये अकड़ते हैं। तो ईरान से अच्छा समझौता हुआ, ईरान के जो वहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। उस वक्त जो बाइडेन जो थे वाइस प्रेसिडेंट थे, अब ये प्रेसिडेंट है, जनवरी में ये कार्यभार संभालेंगे। तो ट्रंप और इसराइल को ये बात पता है कि जैसे ये जो बाइडेन संभालेंगे, ये वापस ईरान से समझौते कर देंगे, और ईरान भी यही चाहता है कि हमें परमाणु बिजली घर मिले। और ये क्या करते हैं, ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटा देंगे, जिसे सऊदी अरब नहीं चाहता है कि हटाया जाए और इसराइल नहीं चाहता है हटाया जाए। लेकिन भारत को हर हाल में ईरान की ज़रूरत है, क्योंकि ईरान, देखिए भारत से ईरान का बहुत अच्छा रिलेशन है। ईरान से कोई भी आतंकवादी भारत में आज तक अटैक नहीं हुआ, भारत ईरान में भी है। अभी मोदी जी भी कुछ साल पहले जब ईरान के दौरे पे गए थे, तो वहाँ पे गुरुद्वारा पे का उद्घाटन किया था उन्होंने, तो भारत का अच्छा रिलेशन है। इसके अलावा देखिए, अगर ईरान से सैंक्शन हट जाएंगे, प्रतिबंध हट जाएंगे, तो हम लोग आज के वक्त में यहाँ से जाते हैं, पेट्रोल लेकर आते हैं, मुंबई उतारते हैं। अब एक बात बताइए, आपको प्यास लगी है, आपको कह दिया जाएगा कि जाइए भाई यहाँ से लेके, आप इस अपने घर की बात कीजिए ना, आपको पानी टंकी ऊपर लगा है, बार बार वहाँ से पानी लाइएगा तो कितना तकलीफ है। एक बार खर्चा कीजिए,
पाइपलाइन बिछवा लीजिए, टोटी किचन में दे दीजिए, बाथरूम में दे दीजिए, झमेले खत्म। वैसे ही भारत क्या करेगा, अगर यहाँ से सैंक्शन हट जाते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या ला सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग गैस पाइपलाइन और पेट्रोलियम पाइपलाइन ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ने तुर्कमेनिस्तान से लाए हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, इसी को कहते हैं ना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, शॉर्टकट में पढ़िए ना, तापी गैस पाइपलाइन, इसी को कहते हैं, यहाँ से आ गया। लेकिन हम लोग को कुछ लोग कहते हैं कि भैया नहीं, पाकिस्तान सुरक्षित नहीं, तो यहाँ कैसे आ गया? तो अमेरिका के दबाव में भारत को ये कैंसिल करना पड़ा था यहाँ पर। तो पहला तो हमारा ये पाइपलाइन चालू हो जाएगा, दूसरा कि यहाँ पर हम लोग ग्वादर पोर्ट जो है, यहाँ पर अमेरिकी सैंक्शन की वजह से, हम एक वीडियो में भी बताए थे कि भारत बहुत कम पैसे लगाने की वजह से ईरान ने कहा कि भैया हम अपने से क्या बना लेंगे, यहाँ रेलवे लाइन बिछा लेंगे, ईरान ने ये बात को कहा था। फिर उसने कहा कि नहीं, भारत का भी पैसा लगाया जाए, तो हम लोग और ज्यादा पैसे को लगा सकते हैं ईरान में। इससे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का चाबहार बंदरगाह और अच्छे से डेवलप होगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह, जिसे चाइना ने ले रखा है, और चाइना का ये सीपीसी सड़क चाइना तक चली जाती है, तो हम लोग इसका भी काउंटर कर सकते हैं। दूसरा कि यहाँ से हम लोग यहाँ से रेल लाइन आराम से अफगानिस्तान ला सकते हैं, और अफगानिस्तान के ऊपर तुर्कमेनिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, यहाँ भारतीय वायुसेना का अड्डा है, यहाँ से हम चीन पर भी हमला कर सकते हैं, यहीं से हम लोग पीओके के एरिया पर भी हमला कर सकते हैं आराम से। तो हमारे लिए तो बहुत जरूरी है भाई साहब ईरान का बचा रहना, हमको क्या मतलब है इससे, तुम क्या कर रहा है, हमारे देश को फायदे से मतलब है। और सबसे बड़ा दिक्कत देखिए, इंसानियत की दिक्कत, कि सैंक्शन की वजह से ईरान को कोरोना की वैक्सीन भी नहीं मिलेगी। अरे यार ये तो गलत है। रीजन क्या है कि अगर कहीं पे भी कोरोना बच गया ना, तो फिर वो वहाँ से फैल जाएगा। जैसे वुहान में लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, जनवरी फरवरी में हम लोग भी कह रहे थे चाइनीज़वा में भी वायरस फैला, हम लोग को क्या पता चला वह ठीक हो जाएगा, हम वही लोग फंस जाएंगे यहाँ पर। तो इसलिए ईरान में रहना खत्म होना जरूरी है, क्योंकि ईरान से पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से इंडिया में चला आएगा यहाँ पर, तो भारत के लिए तो जरूरी है। तो भारत को भी अपने रॉ एजेंट को, इवन मोदी जी को भी गुप्त रूप से बात करना चाहिए ईरान को कि भैया 2 महीना और बर्दाश्त कर ले, दिसंबर जनवरी जो बाइडन आएंगे शांति से रह जाएगा। क्योंकि ईरान से हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है, सदियों पुराना सा रिलेशन है। आप देखेंगे ईरान में भारत में आए थे, प्रधानमंत्री भी वहां गए थे, बहुत गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया था। तो भारत को समझाना चाहिए, हमको लगता है कि मोदी जी ने इसमें कर दिए होंगे, इस समय पीछे नहीं रहते हैं, चुप पे फोन करने में तो सबसे आगे है, चाहे शेख हसीना को हो, चाहे ईरान हो, चाहे कहीं कहीं उधाएं दे फोन कर देते हैं यहाँ पे, तो हमको तो लगता है। लेकिन बताने वाला आदमी हो, बाप रे बाप, कौन काम करता है किसी को नहीं बताने वाला। तो हमारे लिए तो ईरान को बचा के रखना जरूरी है। अब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो साहब, भैया भारत में किसान आंदोलन पे है, एमएसपी कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन में कुछ ऐसे भी जो सिख लोग हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, ऐसे नारे भी देखे गए हैं, झंडे भी देखे गए, बट उनकी संख्या कम है, जो पूरे आंदोलन को दूसरे रूप दे देंगे, वो बड़े कम है। इतने बड़े पानी में अगर थोड़ा सा भी थूक दीजिएगा ना, तो पूरा पानी खराब हो जाता है। तो वही बात होता है कि भैया आंदोलन किसानों का है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी आ जाएगा ना, तो भैया मीडिया या गवर्नमेंट तो को बहाना मिल जाएगा वहाँ पर। और इसमें आग का घी काम कर दिए इन कनाडा के पीएम, इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है कि हम पूरी दुनिया में मानवता के प्रहरी हैं, रक्षा करते हैं, कहीं पे भी सबको अधिकार है अपना विरोध प्रदर्शन का, किसानों पर ऐसा अत्याचार नहीं होना चाहिए। आप मर गए थे क्या, सुतल थे जब नाइजीरिया में मार दिया गया 110 किसानों को, एक कोई स्टेटमेंट आया आपका, आपको खाली यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग नहीं समझ रहे, मैंने भारत वाला मूक है, इंडिया आप आए थे तो आपका एक आदमी स्वागत करने नहीं गया था, काहे, क्योंकि आप जो है वो खालिस्तान विरोधियों के लिए, खालिस्तान वाले जो अलगावादी उनको बढ़ावा देते हैं। अपने से बेचारे ताजमहल घूमने गए थे, अपने से गए थे अमृतसर घूमने के लिए, हम लोग ने छोड़ दिया था। एक्चुअली रीजन क्या है कि कनाडा में इनको चुनाव जीतना है, और कनाडा में सिख कम्युनिटी एक बहुत बड़ी संख्या में है वहां पर कनाडा में, तो इन ये क्या करते हैं, हमेशा सिख कम्युनिटी के बीच में चर्चा का विषय रहते हैं यहाँ पर, तो इनको चाहिए वोट। भाड़ में गया भारत की मामले यहाँ पे, तो भाई साहब आप इंडिया में ही उधरे रहिए, इधर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, जाके देखिए यहाँ पर। हम मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं कि आप हर धर्मों की इज्जत करते हैं, हमारे सिख धर्म की परंपरा को भी मानते हैं, सिख लोगों की हम लोग भी इज्जत करते हैं, चाहे वो कोई भी गुरु का लंगर हो, अभी भी हम लोग यही कहते हैं कि हमारे हमें में भी ये विश्वास है कि अगर कोई भूखा है तो गुरुद्वारा में जाएगा, उसे खाना मिलेगा। लेकिन हाँ, धर्म के नाम पर आप राजनीति करिएगा ये गलत है। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है। हम लोग अपने किसान भाइयों से हमारी बातचीत सफल होगी। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट भी से और किसानों के बीच बात चल रही है, हालांकि बात बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी है। आई होप आप इसे समझे होंगे। देखिए रेलवे के एग्जाम्स आ गए हैं, अप्लीकेशन जो है खान सर ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में
लिंक है उसका, उस पर एडमिशन NTPC और ग्रुप डी के लिए चालू कर दिया गया है वहाँ पर, जो बंद कर दिए गए थे एडमिशन को वगैरह को, और अब उस पर डेली 4 घंटे कंटिन्यू लाइव क्लास चलेंगे उसमें। पहले 2 ही घंटे चलते थे, अब कंटिन्यू 4 घंटे आपको वहाँ पर लाइव क्लास चलेंगे वहाँ पर, 2 घंटे साइंस के लिए और 2 घंटे स्टैटिक जीके के लिए, क्योंकि उसमें स्टैटिक जीके पीछे के मतलब जीके पोर्शन के लिए, तो 2 घंटा इसमें 2 घंटा इसमें कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पर। और जो कुछ जरूरी चीज़ें होंगी वो आपको एप्लीकेशन पर सूचना दे दी जाएगी। आई होप आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।